हरियाणा के फरीदाबाद में एक लड़के ने बुजुर्ग होटल मालिक पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि बुजुर्ग होटल मालिक ने कुछ लोगों को मुफ्त का खाना देने से मना कर दिया था और उसने कैश काउंटर पर बैठे बुजुर्ग को पीटना शुरू कर दिया और काउंटर से धक्का देकर उन्हें कुचलने की कोशिश की। इस दौरान बुजुर्ग होटल मालिक जब तक कुछ समझ पाते तब तक उस लड़के ने उन पर फोन, हेलमेट और कंप्यूटर से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, जबकि बुजुर्ग उस लड़के की गुंडागर्दी का विरोध तक नहीं कर सके। इतना ही नहीं, अपने पिता को पिटता देख जब होटल मालिक का बेटा आरोपी लड़के को पकड़कर बाहर ले गया तो वहां छिपे उसके साथियों ने उससे भी मारपीट की और उस पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिससे होटल मालिक का लड़का भी घायल हो गया। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपी वहां से भाग निकले, जबकि पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामले की शिकायत करवाई। मैं चाहता हूं मेरी इज्जत का, मेरे फादर की इज्जत का और जो मेरा नुकसान है उस नुकसान की भरपाई हो, मेरे इन सबको बंद करा जाए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने गुंडागर्दी करने वाले अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। होटल मालिक एक दो को चोट आई है, उनके स्टेटमेंट लेकर के और उस पर हमने FIR लॉन्च कर दी।